हमने पहले कहाँ तक डिस्कस किया था? हम पहले देखते हैं कि साइनैप्टिक वेसिकल क्या होता है. ये जो दिख रहा है ये रीजन, ठीक है. तो हमने डिस्कस किया था कि साइटॉन में देर इज समथिंग कॉल्ड एज निसस ग्रैन्यूल्स. ये निसस ग्रैन्यूल्स जो है दे आर राइबोसोम्स, विच मीन्स दे विल प्रोड्यूस सर्टेन प्रोटीन्स. एंड इफ यू नो योर हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स, मोस्ट ऑफ देम आर प्रोटीन्स और प्रोटीन कॉन्जुगेट्स. प्रोटीन कॉन्जुगेट्स मतलब क्या? एक कार्बोहाइड्रेट ग्रुप एक्स्ट्रा होगा, एक लिपिड ग्रुप एक्स्ट्रा होगा, बट बेसिकली दे आर प्रोटीन्स. सो इवन योर न्यूरो ट्रांसमिटर्स आर बेसिकली प्रोटीन्स, ठीक है. एंड दीज आर ऑल केमिकल सब्सटेंसेस, क्योंकि उनका अपना खुद का एक चार्ज है और वो रिएक्ट करते हैं. ओके देन, अब मैंने यहाँ जनरेट कर दिया सेल बॉडी में न्यूरो ट्रांसमीटर. देन वी हैड दिस न्यूरो फिब्रिल्स जो एक्सॉन में एक्सटेंड होता है पूरा, एंड ये ट्रैवल करते हैं यहाँ से यहाँ तक. और अगर मैं न्यूरो ट्रांसमीटर को डिपिक्ट करूँ रेड कलर से, सो यू हैव योर न्यूरो ट्रांसमीटर व्हिच वॉज जनरेटेड हियर. ये न्यूरो फिब्रिल्स जो है ये एक्ट एज योर रेलवे ट्रैक्स, और फिर ये न्यूरो ट्रांसमीटर एक्सॉन के एंड टर्मिनल तक लेके जाएंगे, और यहाँ पे एक्सॉन के एंड टर्मिनल पे पोस्ट साइनाप्टिक न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के एंड्स होंगे. सो दिस इज डेंड्राइट के प्रोसेस का एंड, ठीक है. तो अब ये जो साइनैप्स है, ठीक है, ये स्पेस, दिस इज योर साइनैप्स बिटवीन एन एक्सॉन टर्मिनल एंड अ डेंड्राइटिक टर्मिनल. इन दोनों के बीच में जो भी होगा वहाँ पे इम्पल्स ट्रांसफर होगा. तो दिस इज वेयर योर साइनैप्टिक एक्शन टेक्स प्लेस. तो अब मेरे पास यहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर आया, तो दिस इज़ योर एक्सॉन का एंड टर्मिनल. यहाँ से न्यूरो ट्रांसमीटर आया 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 आया. सो देर इज लॉट्स ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर हियर. सो वॉट हैपन्स इज ये मेम्ब्रेन क्या करता है, दिस विल क्रिएट अ वॉल अराउंड इट. थोड़ा सा न्यूरो ट्रांसमीटर इकट्ठा करके एक वॉल क्रिएट करता है उसके अराउंड, विच इज़ कॉल्ड एज अ साइनैप्टिक वेसिकल. वेसिकल्स क्या होते हैं, ये बाई लेयर बाई मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो जैसे तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बाई लेयर, उसी तरह वेसिकल्स भी बाई लेयर होते हैं, एंड दे एनक्लोज, दे हैव दिस न्यूरो ट्रांसमीटर इन साइड ऑफ दैम. फिर ये वेसिकल अगर मुझे इसको रिलीज करना है तो क्या होगा, यहाँ तक समझा? न्यूरो ट्रांसमीटर केमिकल है. हाँ, एनीथिंग यू यूज इज अ केमिकल, क्योंकि उसका एक अपना प्रॉपर्टी होता है. इट विल इंटरैक्ट विद समथिंग, इट विल रिएक्ट विद समथिंग, इट विल कॉज अ रिएक्शन. सो वाइटामिन सी इज ऑल्सो अ केमिकल. ऑल ऑफ दिस, एवरीथिंग यू यूज इज बेसिकली अ केमिकल, ठीक है. समझा. तो यू आर जस्ट ट्रांसफरिंग दिस फ्रॉम वन टू अनदर, पर उसके लिए भी एक प्रोसेस होगा, ठीक है. ये समझा पैकेजिंग साइनाप्टिक वेसिकल में. तो अब यहाँ से आया, हमने पैकेज कर दिया. इसको रिलीज करने के लिए ये यहाँ पड़ा रहता है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम ये एसिटाइल कोलीन है, ठीक है, ACHE. ये एसिटाइल कोलीन है. एसिटाइल कोलीन जब यहाँ तक आया एंड इट गॉट पैक्ड इनटू अ साइनैप्टिक वेसिकल, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, इम्पल्स आया, विच मींस ये न्यूरॉन एक्साइट हुआ. न्यूरॉन एक्साइट हुआ तो क्या होता है, दिस रिलीजेस, दिस ओपन्स द कैल्शियम चैनल्स, जिसके वजह से कैल्शियम अंदर आता है. यहाँ बाहर ढेर सारा कैल्शियम होता है. एक्स्ट्रा सेल्यूलर रीजन कंसिस्ट ऑफ लॉट्स ऑफ कैल्शियम.
सो दिस कैल्शियम इज ब्रॉट इनसाइड द सेल बिकॉज ऑफ द एक्शन पोटेंशियल दैट वॉज जनरेटेड एंड बिकॉज द कैल्शियम मूव्ड इनसाइड द सेल. ये कैल्शियम क्या करता है, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स को मजबूर करता है कि वो जाके मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो. अब ये साइनेप्टिक वेसिकल का जो मेम्ब्रेन है, ये जो गोल दिख रहा है वो, ये और जो सेल मेम्ब्रेन है, ये रीजन, ये पूरा रीजन, बोथ हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज. सो व्हेन दिस कम्स हियर इट फ्यूजेस विद इट और वो ओपन हो जाता है, जिसके वजह से ये न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होता है. क्लेफ्ट यानी एक स्पेशियस रीजन बेसिकली. तो वो न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होता है. यहाँ तक समझा? तुम लोग नहीं बोलोगे तो मुझे भी नहीं पता चलेगा तुम्हें समझ रहा है कि नहीं. समझ रहा है ना? तुम लोगों को डाउट्स है तो तुरंत पूछ लो, वो क्लियर हो जाएगा. ओके तो फिर अब कैल्शियम ने क्या किया, इसको अंदर लाया. कैल्शियम ने इनको फ्यूज करने से मजबूर किया. नाउ दिस साइनेप्टिक वेसिकल ओपन्ड एंड इट रिलीज्ड न्यूरोट्रांसमीटर इनटू द साइनेप्स. अब फॉर एग्जांपल ये जाके यहाँ बाइंड कर सकता है एंड ये बाकी सब इट इज़ जस्ट लेफ्ट अराउंड. एंड इफ़ यू रिमेम्बर हमने ये एस्ट्रोसाइट्स का पढ़ा था. ये एस्ट्रोसाइट्स क्या करते हैं, वेयर इज दैट इमेज, हाँ ये एस्ट्रोसाइट्स जो है वो तुम्हारे एग्जॉन, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रांसमिट मतलब रेगुलेट करते हैं ब्रेन से. और वो कैसे करते हैं, दे एब्जॉर्ब द एक्सेस न्यूरोट्रांसमीटर व्हिच इज प्रेजेंट इन द साइनेप्स. अभी तुमने तो पूछा था ना कि वो कैसे जाके बाइंड करता है. वो क्योंकि वो इतने नज़दीक है, मोस्ट ऑफ इट गेट्स बाउंड बट पूरा नहीं होता है. एंड देयरफॉर हमें एस्ट्रोसाइट्स की ज़रूरत पड़ती है, एस्ट्रोग्लियल सेल्स की, विच क्लीन दिस अप, क्लीन दिस साइनेप्स. और फिर दे ब्रेक डाउन, अगर हम एसिटाइल कोलिन की बात कर रहे हैं तो दे ब्रेक इट डाउन इंटू एसीटेट और कोलिन, विच मीन्स अब ये जाके वापस बाइंड नहीं कर सकता. इसका ये मतलब है कि एक बार वह एक्शन पोटेंशियल ख़त्म हो गया, वापस ये न्यूरोट्रांसमीटर तभी यूज़ नहीं होगा. ठीक है, अब हमने न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्स में छोड़ा और फिर वो बाइंड हुआ, वो जाकर रिसेप्टर्स में बाइंड होता है. सो यू हैव टू बेसिक टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, आयोनोट्रोपिक एंड मेटाबोट्रोपिक. वो तुम्हारे सिलेबस के स्कोप के बाहर है. यू जस्ट नीड टू नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स एंड योर न्यूरोट्रांसमीटर डिपेंडिंग ऑन कौन सा है, कि वो एसिटाइल कोलिन है या डोपामीन है या सेरोटोनिन है, इट विल ईदर बाइंड टू आयोनोट्रोपिक और मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर एंड वो डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग पाथवेज एक्टिवेट करेगा. अब केमिकल साइनेप्स में हमने ये देखा कि जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, यहाँ पे केमिकल रिलीज होता है इनटू ए साइनेप्स एंड दिस एक्टिवेट्स द नेक्स्ट न्यूरॉन. ठीक है, बट एंड ये तुम्हारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वगैरह में हो सकता है. सो ज़रूरी नहीं है कि जो पोस्ट साइनेप्टिक साइट है वो पोस्ट साइनेप्टिक साइट सिर्फ डेंड्राइट हो, इट कैन ऑल्सो बी अ मसल का जंक्शन. ओके, सो दिस कुड जस्ट बी अ मसल and this could be a neurotransmitter, acetylcholine hi, which activates your muscle. So as soon as this acetylcholine is released and it is sent into this muscle, your muscle will be signaled to move. So you will just move your arm
और यू विल डू सम एक्टिविटी विथ योर हैंड और लेग और विच एवर मसल इट इज जॉइनिंग टू. ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन विच इज द पोस्ट साइनैप्टिक साइट. ये केमिकल साइनैप्स है. इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में क्या हुआ? किसने छोड़ा? रजनी, रोशनी और रजनी. अब हम इलेक्ट्रिकल साइनैप्स की बात. इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में भी एक्शन पोटेंशियल आया, विच मीन्स देर वॉज सम स्टिमुलस गिवन टू दिस न्यूरॉन एंड फिर ये किसी तरह का न्यूरो ट्रांसमीटर जेनरेट नहीं करता है. ये सीधा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो कि आयोन से होता है, विच इज़ इसेंशियली योर सोडियम एंड पोटेशियम, वो डिरेक्टली ट्रांसफ़र करता है टू द पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन. और ये कैसे होगा? यू हैव योर गैप जंक्शंस. गैप में सो यू हैव दिस गैप ऑफ 3 to 8 नैनोमीटर्स. इसमें एक जंक्शन क्रिएट हुआ विच इज़ योर गैप जंक्शन चैनल एंड यू हैव दिस स्पेस. सो दिस इज़ लाइक अ ब्रिज बिटवीन दीज टू न्यूरॉन्स और इस ब्रिज में से ये इम्पल्स सेंड होगा. एंड इफ़ यू सी दिस इज़ मोर श्योर शॉट कि इम्पल्स ट्रैवल इन्हीं के थ्रू होगा और ये जल्दी भी होगा क्योंकि ये ज़्यादा नज़दीक भी है. विच मीन्स वी कैन से दैट इलेक्ट्रिकल साइनैप्सिस आर फास्टर देन केमिकल साइनैप्सिस. अग्रीड? यस. एंड सिंस दे आर फास्टर, दे आर प्रेजेंट इन योर रिफ्लेक्स आर्क वगैरह के रीजन्स. ठीक है, तो कोई क्विक एक्शन करने के लिए, इमीडिएट रिफ्लेक्स एक्शंस करने के लिए उन रीजन्स में तुम्हारे इलेक्ट्रिकल साइनैप्सिस ज़्यादा मिलते हैं. एंड केमिकल साइनैप्सिस का वन ऑफ द एग्जांपल्स वी डिस्कस अबाउट इज योर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. समझा? हाँ दीदी. इसमें केमिकल सिनेप्स में मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर का क्या काम है वो नहीं समझा. तो मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर. तो अगर समझो ये एसिटाइल कोलिन है, ठीक है, एक वो एक न्यूरोट्रांसमीटर है और मैं बताती हूँ कि वो आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर. रिसेप्टर मतलब क्या? जो रिसीव करता है. ठीक है, तो आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर सिर्फ फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ एसिटाइल कोलिन को रिसीव करेगा. उसी तरह मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर क्या करेगा? फॉर एग्जाम्पल ये सिर्फ डोपामिन रिसीव करेगा. तो डोपामिन आके यहाँ बैठेगा और फिर यहाँ से डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग पाथवे. तो ये रिसेप्टर एक्टिवेट करता है सम अदर प्रोटीन्स विच लीड टू डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग एंड पैसेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल. जस्ट दैट फिजिकली कोई भी एंटिटी या प्रोटीन इसके अंदर मूव नहीं होता है. यह एसिटाइल कोलिन भी एक बार बाइंड हुआ या एक्टिवेट करता है इस रिसेप्टर को जो दूसरे प्रोटीन्स एक्टिवेट करेगा इन मोस्ट केसेस. एंड यह एसिटाइल कोलिन को बाहर ही छोड़ देते हैं. हेंस न्यूरो ट्रांसमीटर कभी एक न्यूरोन से दूसरे न्यूरोन के अंदर जाता नहीं है, वो सिर्फ बाहर से ही उसको एक्टिवेट करता है एंड देन इट इज़ क्लीनड अप बाय योर माइक्रोग्लियल सेल्स एंड ओनली द एक्टिवेशन विच इट हैज़ कॉज्ड यूजिंग द अदर प्रोटीन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूरॉन दैट लीड्स टू पैसेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल और योर इम्पल्स. समझा? थोड़ा मतलब नहीं समझा. क्या होगा अगर मैं ये मेटाबोट्रोपिक ये तुम्हें सीधा चैनल जैसे दिख रहा है ना, इसीलिए ये इजी लग रहा होगा आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर और ये मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर. मैं शॉर्ट में समझाती हूँ, ठीक है. तो मैं यहाँ एक
सुनना है ना एनोट्रोपिक और मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर का? मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन है, तो यहाँ आर पार है, ठीक है। मैं एक न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे आके बाइंड हुआ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसका नाम क्या है, आयोनोट्रोपिक, राइट। तो ये रिसेप्टर जब बाइंड होगा ये आयोन्स को अंदर आने देगा, फॉर एग्जांपल सोडियम, ठीक है, जिसके वजह से या तो ये अंदर आने देगा या बाजू के रिसेप्टर्स ओपन करेगा जिसमें से सोडियम आयोन्स अंदर आएंगे, तो डिपेंडिंग ऑन द एक्टिविटी। तो ये आयोन्स को अंदर आने देगा और ये आयोन्स अंदर जाके ये सोडियम हो सकता है, कैल्शियम भी हो सकता है, तो ये कैल्शियम अंदर आएगा एंड इट विल एक्टिवेट फॉर एग्जांपल द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू रिलीज समथिंग, सम प्रोटीन, और इट विल जस्ट टेक दिस एक्शन पोटेंशियल दैट इज योर सोडियम आयोन्स आगे एंड इट विल कलेक्ट इट एट द एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक याद है, जहाँ पे तुम्हारा इम्पल्स कलेक्ट होता है जिसके आगे एक्सॉन बनता है, क्योंकि ये डेंड्राइट है, राइट। तो यहाँ से ये आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर सिर्फ आयोन्स को एंटर करने देगा विच विल लीड टू डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम यानी उसके नीचे से जो भी प्रोसेस है, ठीक है, दैट इज डन। अब आयोनोट्रोपिक और मेटाबोट्रोपिक में डिफरेंस क्या है, ठीक है, मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स आर यूजली द वंस विच एक्टिवेट प्रोटीन्स। यहाँ पे जैसे इसने आयोन्स, आयोनोट्रोपिक ने आयोन्स को अंदर आने दिया, उसी तरह मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर जो है वो अंदर के प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेगा। यहाँ पे तुम्हारा न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड हुआ या एक्टिवेट हुआ, इसके यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, देर आर थ्री प्रोटीन्स, ठीक है, ये थ्री प्रोटीन्स, और जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर आया, इसने इस रिसेप्टर को एक्टिवेट किया, इसमें से एक प्रोटीन डिसलॉज हो जाएगा और बाकी दो प्रोटीन्स फ्री हो जाएंगे। ये प्रोटीन्स आगे जाके दूसरे सेल ऑर्गेनल्स को एक्टिवेट करेंगे या दूसरे प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करेंगे, जिससे एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ेगा। ये बेसिक डिफरेंस है मेटाबोट्रोपिक और आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर्स में, समझा? ये थोड़ा एडवांस्ड है, इसीलिए मैंने इसके बारे में बात नहीं किया था, बट अगर अभी ज़्यादा क्लियर है तो इट्स रियली गुड फॉर यू, ठीक है। अभी मैं सिर्फ एक्सॉन बनाऊंगी, ओके, सो दिस इज योर एक्सॉन, ओके। नाउ एक एक जन बताओ मुझे कौन कौन से रिसेप्टर्स बनाने हैं। रजनी, रजनी नहीं है, रोशनी, टेल मी फर्स्ट कौन से रिसेप्टर्स बनाओ, चैनल्स, सॉरी, सोडियम, सोडियम चैनल्स, लीकी चैनल्स, सो दिस इज योर सोडियम लीकी चैनल, ओके। नेक्स्ट ज्योति, हाँ लीकी चैनल सोडियम के, पोटेशियम, ओके, तो ये ऑर्डर जरूरी नहीं है बट देन ओके। नेक्स्ट दीपक, येलो वाला, येलो वाला जिसके अंदर अंदर पोटेशियम बाहर जाता है और सोडियम अंदर आता है, कौन सा है वो, उसमें येलो वाला पोटेशियम बाहर जाता है और सोडियम अंदर आता है, ओ सॉरी, राइट 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 राइट, पोटेशियम अंदर आता है और सोडियम बाहर जाता है, राइट राइट राइट, मैंने बोला था वही, हाँ सॉरी, येलो वाला नहीं, उसका नेम बताओ,
नहीं मालूम। तो लीकेज चैनल्स में से भी उसमें तो सोडियम अंदर आता है, आई एम पोटेशियम सॉरी आई एम बाहर सॉरी जाता आई है एम सॉरी ना। आई एम सॉरी आई गॉट कंफ्यूज। पोटेशियम लीकेज चैनल में पोटेशियम बाहर जाता है। आई एम वेरी सॉरी फॉर द मिस्टेक। पोटेशियम बाहर जाता है, सोडियम अंदर आता है। और जो एटीपीएज है उसमें सोडियम बाहर जाता है, आई गॉट कन्फ्यूज, और पोटेशियम अंदर आता है। एक्टिविटी सेम है बट आई गॉट कन्फ्यूज। भी कंफ्यूज, और अब पिछले वाले डायग्राम में तो पोटेशियम बाहर मैं था। कंफ्यूज हो गई थी, मैं कंफ्यूज हो गई थी। बट इफ यू सी ये आई एम सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई थी लास्ट वाले स्लाइड में, दीपक ने लकीली याद दिलाया। तो इसमें जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएज है, प्लीज़ ये वाला याद रखना, लास्ट वाला इग्नोर करना। आई एम वेरी सॉरी फॉर द मिस्टेक, मैं कंफ्यूज हो गई थी, आई एम वेरी सॉरी। एटीपीएज सोडियम पोटेशियम एटीपीएज में पोटेशियम अंदर आता है और सोडियम बाहर पंप होता है। एंड लीकी चैनल्स, हाँ नाउ इट मेक सेंस। सी अंदर की ओर बहुत सारा पोटेशियम था व्हेन वी टॉक्ड अबाउट इट, एंड बाहर की ओर बहुत सारा सोडियम था। ये बाहर है इसीलिए। आई एम वेरी सॉरी आई डिड नॉट मीन टू डू दिस। बाहर की ओर बहुत सारा सोडियम था और अंदर की ओर बहुत सारा पोटेशियम था। तो बिकॉज ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करना है, ये पोटेशियम बाहर लीक होता है। बिकॉज यू हैव मोर पोटेशियम इन साइड, इट कीप्स लीकिंग आउटसाइड। एंड बिकॉज नाउ इट मेक्स सेंस, राइट? मैंने गलत बोला था पहले, क्योंकि बाहर ज़्यादा सोडियम है वो अंदर की ओर लीक होगा क्योंकि उसको ग्रेडियंट मेंटेन करना है। दी 1 मिनट, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। अभी रुक, अभी टेक्स्ट बुक छोड़, ये सही है, ये सही है, ये सही है। आउटसाइड लिखा है पोटेशियम इनसाइड, मतलब इनसाइड है, और वो क्या लिखा है यहाँ पे एक्सेस सोडियम ऑन द आउटर साइड एंड द इनसाइड देर इज एक्सेस ऑफ पोटेशियम अलॉन्ग विथ लार्ज नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लिक एसिड, सम अमाउंट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम इज ऑलवेज लीक अक्रॉस द तो मैंने अभी मेम्ब्रेन, वही बोला मतलब ना, यहाँ पे ये जो येलो वाले का एटीपी फेस का उसका वो लिखा है क्या? एटीपीएस का अलग है, उसका बाद में लिखा है टेक्स्ट बुक में। तो दोनों साथ में करेगी तो कंफ्यूज हो जाएगी। एटीपीएस का साथ में नहीं लिखा है, अगले पैराग्राफ में लिखा है आई गेस। 188 मैं मेरे सामने टेक्स्ट बुक का में क्वेश्चन है। है, ठीक है बाद में देखूंगी। वेट 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 वेट, मैं टेक्स्ट बुक खोलती हूँ, बट पहले ये समझ। देख हमने पहले इग्नोर द लास्ट स्लाइड, ओके आई एम वेरी सॉरी, फ्रेशली स्टार्ट करते हैं। वी डिस्कस कि बाहर ज़्यादा सोडियम पोटेशियम है, सोडियम है, सॉरी अगेन अगेन आई एम गेटिंग कन्फ्यूज। वी डिस्कस्ड के बाहर ज़्यादा सोडियम है, ठीक है, और जब ये डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस पॉसिबल होता है तो हम क्या करते हैं कि अगर एक साइड कोई सल्यूट ज़्यादा है एंड दूसरे साइड वो सल्यूट कम है या आयोन्स कम है, वो आयोन्स विल मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। ये हमें पता है,
सो इफ आई हैव बहुत सारा सोडियम आउटसाइड और मेरे पास एक फ्री पाथवे है, ये लीकी चैनल्स आर फ्री, दे आर ऑलवेज ओपन, तो सोडियम अंदर फ्लो करेगा टू क्रिएट इक्विलिब्रियम. सिमिलरली इफ आई हैव लॉट्स ऑफ पोटेशियम इनसाइड, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए पोटेशियम बाहर की ओर मूव करेगा क्योंकि ये लीकेज चैनल्स है, ये हमेशा ओपन रहते हैं. तो अगर एक जगह कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है इनकी, ये दूसरे साइड मेम्ब्रेन के मूव करने की कोशिश करेंगे सो दैट दे कैन क्रिएट एन इक्विलिब्रियम. दोनों साइड उनको कॉन्सेंट्रेशन इक्वल करना होता है कोई भी सिस्टम में. ठीक है, इतना समझा? ठीक है, कूल. नाउ वी हैव लॉट्स ऑफ सोडियम आउटसाइड एंड इट वॉज मूविंग इनसाइड टू मेंटेन इक्विलिब्रियम. सिमिलरली वी हैड लॉट्स ऑफ पोटेशियम इनसाइड एंड इट स्टार्टेड मूविंग आउटसाइड टू मेंटेन इक्विलिब्रियम. अब चार्ज डिफरेंस मेंटेन करने के लिए और ऐसा ना हो कि बाहर पोटेशियम ज़्यादा हो, इसीलिए सोडियम पोटेशियम ATPS क्या करता है, वो एनर्जी यूज़ करके जो पोटेशियम बाहर जा रहा है उसमें से थोड़ा पोटेशियम अंदर लेके आता है एंड सोडियम को बाहर पंप करता है. सो दिस इज डन यूजिंग एनर्जी क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट है. ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट क्यों है, क्योंकि ये जो दोनों चैनल्स हैं लीकी चैनल्स, दे आर ट्राइंग टू क्रिएट इक्विलिब्रियम, विच मीन्स एट सम पॉइंट बाहर जितना चार्ज होगा अंदर भी उतना ही चार्ज होगा, बट हमें अंदर नेगेटिव चार्ज मेंटेन करना है एंड इसीलिए दिस विल कीप पंपिंग सोडियम आउटसाइड एंड पोटेशियम इनसाइड एंड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अंदर का चार्ज नेगेटिव होगा क्योंकि तुम्हारा पोटेशियम इट्स पॉजिटिव फर्स्ट ऑफ ऑल एंड वो उसका क्वांटिटी विल बी लेस, उसका पॉजिटिव चार्ज विल बिकम नेगेटिव बिकॉज ऑफ द प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स विच आर प्रेजेंट. अब क्लियर लग रहा है? मैंने लास्ट वाले में बहुत घोर मिस्टेक किया था इसीलिए. क्लियर है ज्योति? जी क्लियर है, लेकिन मैं टेक्स्ट बुक से रीड करके सुनाती हूँ तुझे, एक्सप्लेन करती हूँ. वो कंफ्यूजिंग है. हाँ, इसीलिए मैं टेक्स्ट बुक से रीड करती हूँ. This condition of a resting nerve is also called polarized state and it is established by maintaining an excess of sodium on the outer side. So you have sodium yahan bahut sara bahar. On the inside there is an excess of potassium, andar zyada potassium hai, along with a large negatively charged protein molecules and nucleic acid. So you have your protein molecules and nucleic acids. तुम लोग म्यूट कर लो प्लीज. ये हुआ. नाउ सम अमाउंट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम ऑलवेज लीक्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन. तो ये लीकी चैनल्स की बात कर रहे हैं. द सोडियम पोटेशियम पंप इन द मेम्ब्रेन एक्टिवली रेस्टोर्स द आयन्स टू देयर एप्रोप्रिएट साइड अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेड एंड इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट. सोडियम इज फोर्स्ड आउट क्योंकि यहाँ पे वो डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अंदर आ रहा है क्योंकि उसको इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है. सिमिलरली पोटेशियम भी डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए बाहर जा रहा है.
तो जब ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, ये एटीपीएस जबरदस्ती सोडियम बाहर निकाल रहा है और पोटेशियम को अंदर लेके आ रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सोडियम पंप और सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप। एक्टिव प्रोसेस रिक्वायर्स एटीपी। द डिफरेंस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम ऑन द टू साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन क्रिएट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अबाउट -50 to 100, एवरेज इज -70 millivolts. This potential difference seen in a resting nerve is thus called resting potential, and it is mainly due to differential permeability. Permeability मतलब ability of the membrane to pass the ions through it. तो अगर वो pass कर पा रहा है ions को या proteins को, उसको permeability बोलते हैं, which is much more permeable to K plus than to Na plus. ठीक है, अभी ठीक लग रहा है? अभी जो टेक्स्ट बुक में था वैसा ही समझाया? जी हाँ, मतलब मैं वो कंफ्यूज थी कि वो एटीपीएस का बोल रहा है या फिर इसका। अभी अभी ठीक लग रहा है? अभी सामने पिक्चर भी है, उन्होंने वो सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम इनसाइड मतलब एटीपीएस का बात कर रहे हैं। हाँ, वही कंफ्यूज थी कि किसका बोल रहे हैं। उन्होंने एक्चुअली टेक्स्ट बुक में जो चैनल्स लीक कर रहे हैं ना, उनको मेंशन नहीं किया कि लीकी चैनल्स किसको अंदर बाहर भेज रहे हैं, किसको बाहर, एंड एटीपीएस भी किसको अंदर, उसने मेंशन किया है बट साथ में नहीं किया, इसीलिए आई थिंक कंफ्यूजन हुआ। मैं भी शायद इसीलिए कंफ्यूज हुई, बट अभी बेटर लीकी चैनल्स का बोल दिया इसलिए कंफ्यूज हो रहे, बट अभी समझा। रोशनी, ज्योति, श्रद्धा, दीपक। हाँ समझा, समझा। ओके, अभी एक और लास्ट थिंग फॉर टुडे। हमने लास्ट वाले स्लाइड में जो कि बर्बाद था बिकॉज मैं कंफ्यूज हो गई थी, उसमें भी डिस्कस्ड कि एक और टाइप के चैनल्स होते हैं जो अभी क्लोज्ड है, देवर क्लोज्ड, उसमें से कुछ पास नहीं हो रहा है। ठीक है, उनको यू कॉल देम वोल्टेज गेटेड चैनल्स। वोल्टेज गेटेड चैनल्स मतलब वो किसी वोल्टेज डिफरेंस के वजह से ओपन होंगे। अभी के लिए इतना याद रखना है फॉर लर्निंग योर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, कितना है इसका एवरेज वैल्यू? -70 millivolts। समझा? ये नर्व न्यूरॉन्स ये सब में इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं क्या? हाँ, इसीलिए तो यू आर, अरे वो बोलते हैं, वो दिखाते हैं ना सिंबल जिसमें किसी के सर पे बल्ब जल रहा है, किसी को आइडिया आता है तो बल्ब जल रहा है। yes, yes. वो थियोरेटिकली पॉसिबल है क्योंकि तुम्हारा ब्रेन ओवरऑल इतना चार्ज डिफरेंस जनरेट करता है कि वो एक छोटे से बल्ब को जला सकता है। तो देयर इज लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिक। हाँ, रियल में बट थियोरेटिकली, क्योंकि हम किसी का ब्रेन कनेक्ट नहीं कर सकते किसी के बल्ब से, अब तक तो नहीं।